हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं फनी जेम्स। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाले मेरी फ्यूचर्स की वीडियो आपको पता चल सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लीग को कैसे आप जल्दी से ऊपर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको अंत तक सर्वाइव करते रहना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप सिर्फ जहाँ से प्लेन जा रही है वहाँ से थोड़ी दूर जाकर उतर सकते हो, या फिर आप लिपोका, गटका या माइल तक उतर सकते हो। ये सब छोटी छोटी जगहें हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप माइलता जाओ, क्योंकि वो अच्छी जगह है, वहाँ लूट भी अच्छी मिल जाती है और ज़्यादा लोग पहुँचते भी नहीं हैं। लोग उन लोगों को लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लूट नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे अच्छी लूट मिलती है। और दूसरी बात ये रहेगी कि अगर आप जब तक टीममेट के साथ रहोगे तब तक आप ज़्यादा सेफ होगे। आप रस मत करना, इसमें ज़्यादा चांस होती है कि सामने वाली टीम आपको नॉक कर मार सकती है, इसीलिए रिस्क उठाना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप जब जितना देर तक सर्वाइव करोगे आपकी रेटिंग उतना ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप किल भी करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो उससे अच्छा बूस्ट मिलेगा आपकी रेटिंग को। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में तो आप आराम से सर्वाइव कर ही लोगे, दिक्कत होती है तो लास्ट ही जोन में होती है। तो उसमें आपको करना सिर्फ ये होगा कि आपको जोन के साथ साथ चलते रहना होगा। अगर आप बीच में चले जाओगे तो इनेमी कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा, तो कभी राइट से तो कभी लेफ्ट से आपको मार सकती है वो। अगर आप जोन के साथ साथ रहोगे तो पीछे से तो जोन ही रहेगा, आगे से सिर्फ एनिमी आ सकती है। तो आपको इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा और आप आसानी से चिकन डिनर कर सकते हो। इसीलिए कोशिश करना जितना हो सके उतना जोन के साथ साथ रहने का। इससे आपको ये हेल्प होगी कि जितने भी लास्ट टाइम के जोन में रहेंगे सब आप जोन में जाना चाहेंगे। अगर वो लोग आपको देख भी लेते हैं तो उनको जोन में जाना रहेगा, इसीलिए वो आप पर जल्दी से अटैक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जोन आखिरी का रहता है तो आप जानते ही है कि कितना ज़्यादा हेल्थ घटाता है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि कवर जरूर खोज कर रखे। अगर आप नहीं रखोगे तो इनेमी लोग को आपको देख सकते हैं, जिससे आपको वो मार भी सकते हैं। तो आपको जोन में जाते समय एक अच्छी सी कवर खोज के रखनी है, जिसके पीछे आप अच्छे से कवर ले सको और इनेमी सब आपको स्पॉट भी ना कर पाए। अगर गन कम्बिनेशन की बात करें तो असॉल्ट राइफल होना चाहिए और एक स्नाइपर, ये सबसे बेस्ट कम्बिनेशन है। क्योंकि आप जितना दूर से मारोगे आपके लिए उतना सेफ होगा, क्योंकि वो जल्दी आपको पता नहीं लगा पाएंगे और आप उसे आसानी से किल भी कर दोगे। अगर आपको किसी चीज़ की सुप्रेसर मिल जाती है तब तो आपकी जय जय है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी एक जगह पे नहीं रहे, हमेशा अपनी जगह को चेंज करते रहे, जिससे आपका एनिमी कंफ्यूज रहे कि आप कहाँ पे हो, उसे आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा हिलते रहना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर वो एक रूम में है, अगर आप भी ऊपर चले गए हैं उसे मारने के लिए तो उसे मार कर सीधे नीचे कूद जाइए। अगर वो दो तीन लोग हैं तो आप उसे मार कर नीचे कूद जाइए और नीचे वाले रूम में चले जाइए। अगर वो नीचे आएंगे तो फिर आप उसे मार सकते हैं, या फिर हमेशा अपना जगह को चेंज करते रहिएगा, जिससे उसे पता नहीं चल पाएगा। इसे वो आपको खोज नहीं पाएंगे तो थोड़ा वो आपसे डरते भी रहेंगे, उन्हें लगेगा कि आप थोड़ा प्रो प्लेयर हैं। और हाँ, आप रूम में जाने से पहले एक ग्रेनेड ज़रूर फेंक दें, जिससे वे थोड़े देर के लिए डर जाएंगे और थोड़े कन्फ्यूज भी हो जाएंगे, जिसका आप फ़ायदा भी उठा सकते हो। अगर आपके पास मॉकटेल है तब तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वो जो आप अगर मॉकटेल फेंक दोगे घर में, जिससे वो डर जाएंगे, अगर उनकी उनको अगर लग जाता है मॉकटेल तब वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। आप आराम से उन्हें रस कर सकते हो, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि उनकी लाइफ घट रही होगी, तो उसका ध्यान आप पे कम और उनकी खुद की लाइफ पे ज़्यादा रहेगी, जिसका आप फ़ायदा आराम से उठा सकते हो और आसानी से किल कर सकते हो। और अगर आप जब भी बंदे के सामने रहो तो आप लेफ़्ट राइट हमेशा करते रहो, एक तरह से फायरिंग करते रहना, एक तरह से लेफ़्ट राइट करते रहना, जिससे वो कन्फ्यूज रहेगा और उनकी गोली आपको कम पड़ेगी और आपकी गोली उनको ज़्यादा पड़ेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको फ्यूचर में लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अपने आने वाले नए वीडियो में, तब तक लिए बाय।